क्या बात है कबीर? मेरा मेरा कलेजा फटा चला जा रहा है। मैं अपने आप को कोस रही हूँ। मैंने अपनी फूलों जैसी बच्ची उस जहनुम में झोंक दी। आपने देखा है उसके ससुराल वाले उसके साथ किस किस्म का सुलूक कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल मुरझा गई है। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी उस बच्ची के चेहरे पर कोई कोई चमक नहीं थी। आपको खुद को संभालें और खुदा का शुक्र अदा करें कि अभी तक आपकी बेटी का घर बसा हुआ है, वरना आप जानती हैं लोग क्या क्या सवालात करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। बस कर दें कबीर, लोगों की तो आदत है ना बातें करने की, वो तो करेंगे, लेकिन कम से कम आप कोमल का सोचें। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोमल का ख्याल नहीं है? मैं नहीं तड़प रहा उसके लिए, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह जज्बाती नहीं हूँ कि तैश में आके उसका घर बर्बाद कर दूं। पहले ही उस फैसले की भुगतान को मैं भुगत रहा हूँ। अब हमें मसलहत से काम लेना होगा। और कोमल? मैंने कहा ना खुद को संभालो। खुदा के आगे गिड़गिड़ाओ कि वो कोमल की तमाम परेशानियों को दूर करे और आसानी करे। बात मान ले आप प्लीज, भाई आ जाएंगे घर पे, आप मामू को कॉल करें ना और कोमल का हाल चाल पूछें। और हाँ, थोड़ा मस्का भी लगा दीजिएगा कि आपके हलक से निवाला नहीं उतर रहा। मैं नहीं करूंगी कबीर को कॉल। दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा शायद। पता नहीं है तुम्हें अरसलान ने मना किया है। पता चल गया अगर अरसलान को तो कौन संभालेगा उससे। ठीक है, नहीं माने मेरी बात, इस घर में मेरी सुनता ही कौन, लेकिन एक दिन ना आप खुद बहुत पछताएंगे। बेटा तो आपका हाथ से जाएगा जाएगा, आप अपने भाई से भी हाथ धो बैठेंगे। अच्छी बातें निकालो मुंह से। अच्छा, क्यों हाथ धो बैठूंगी मैं अपने भाई से, अपने बेटे से? मेरी प्यारी अम्मी, इतनी बेवकूफ नहीं है आप, दुनिया तो आपने भी देखी है। अब आप मुझे खुद बताएं, कौन सा ऐसा बेटा है जो अपनी बीवी के आने के बाद भी अपनी माँ के घुटनों से लगा रहता है? और जब अनमोल ढेर सारा जहेज रुपया पैसा लेकर आएगी तो भाई उसकी बोली बोलेंगे या आपकी? ऊपर से मामू, जिन्होंने सदियों से अदील को एहसान तले दबा के रखा हुआ है, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है भाई को काबू करना। कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा, लेके आओ फोन मेरा, बात करती हूँ कबीर से। यही रहना, अभी लेकर आ रही हूँ।